लेके आऊँ वो है सैमसंग का मॉडल 75। हम जो है 72 सॉरी, आज हम उसका जो है वो टच वगैरह चेंज करने वाले हैं। इसकी फिटिंग आपको बताऊँगा कि जेन्युइन आपने फिटिंग किस तरह करनी है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो की जाने बढ़ते हैं। तो चलिए हम जल्दी से जो है इसे बैग वगैरह मैंने ओपन की हुई है, इसे रिमूव किया ताकि मैं इजीली से जो है टच वगैरह को चेक वगैरह कर लूँ। तसली से हम चेक कर सकते, चेक करने के बाद इंशाल्लाह हम जो है फिट कर देते हैं। यहाँ पर टच वगैरह आपने जो है ध्यान से जो है वो कोई भी हीट अप करने के बाद आपने जो है रिमूव करना है। मैंने ऑलरेडी इसे हीट अप करके मैंने जो है वो पुराना जो इसका टच जो कि ब्रोक हुआ था वो ऑलरेडी मैंने रिमूव कर लिया ताकि मैं आपको शॉर्ट वक्त में बता सकूँ। अब ये न्यू टच है वो मैंने चेक करने के लिए वैसे लगाया लेकिन वो फिर भी नीचे जो है वो टच हो गया। तो हम इसे जल्दी से जो ऊपर उठा के इसे रिमूव कर लेते हैं और LCD और टच को जो है ध्यान से हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपने जो है LCD जो है नीचे वो टेप वगैरह होती है आपने उसे जो रिमूव करके फिर इसे बाहर निकाल लेना। तो चलिए हम जल्दी से जो है इसे बाहर निकाल लेते हैं LCD को। और यहाँ से जो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ओपन हो गया यहाँ से। चलिए मैं जल्दी से जो इसके टच वगैरह को क्लीन कर लेता हूँ। नीचे वाली जो साइड है आपने उसे अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि इसे किसी भी किस्म का जो है मसला वगैरह ना हो। टच की जो फिटिंग है वो बिल्कुल जेन्युइन की तरह हो। LCD वगैरह आपने जो अच्छी तरह से इसकी क्लीन कर लेनी है आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो हम इसे जो अच्छी तरह से क्लीन वगैरह कर लेते हैं। नीचे से आपने जो अच्छी तरह से इसे क्लीन से या पेट्रोल से जो अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि से किसी भी किस्म का जो है वो मसला वगैरह ना हो। तो यहाँ पर हम जो है अच्छी तरह से क्लीन वगैरह कर लेते हैं। ये क्लीन वगैरह नहीं करते कस्टमर क्या करते हैं जल्दी जल्दी से जो है इसे हम वो करने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जो है ऐसे ही जो ऊपर लगा दें। तो उससे क्या होता है कि ये इसकी फिटिंग वगैरह जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको पता ही ये जो है वो रिमूव टच की जो है फिटिंग अच्छी तरह से नहीं होती। तो बटन के वो नीचे आपने जो इसके लाजमी जो टेप वगैरह या किस तरह की चीज़ रख लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वर्कआउट करे। तो वर्कआउट अच्छी तरह से करेगा तो आपकी फिटिंग टच की फिटिंग भी जो है वो जेन्युइन की तरह होगी और इसे किसी भी किस्म का जो मसला वगैरह नहीं होगा। E8000 से जो आपने इसे लगाना है। चलिए हम जल्दी से जो है इसे E8000 को जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं। अच्छी तरह से आपने जो है चारों साइड पर एक से लगाना है ताकि ये इसकी फिटिंग वगैरह जो है ख़राब ना हो। लगाने के बाद आपने जो है मुकम्मल इसका जैन वगैरह बना लेना। तो जैन वगैरह आपने जो अच्छी तरह से बना कर इसे जो है LCD को टच को जो है जोड़ लेना है। डबल टेप अगर आपके पास है या कोई रेड टेप आपको पता है कि मिल जाती है LCD के नीचे आपने जो है वो लगा लेनी है ताकि ये LCD नीचे रहे और टच जो है वो इसके साथ अटैच होकर जो कहीं से भी मशीन वगैरह ना करे। चलिए हम जल्दी से जो इसे मुकम्मल बटन वगैरह रख के जो हम इसे चेकअप वगैरह कर लेते हैं और हम इसे जोड़ लेते हैं और हम इसे जो है वो चेक वगैरह कर लेते हैं। और हम इसे जो है वो नीचे पहले LCD को आपने अच्छी तरह से बिठा लेना, उसके बाद आपने जो टच वगैरह को यहाँ पे लगाना है। ये करने के बाद आपने जो इसकी स्ट्रिप वगैरह जो ऊपर वाली साइड पे लगानी है और लगाने के बाद आपने से जो है वो चेक वगैरह कर लेना। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इस तरह की वीडियो वगैरह रिपेयरिंग वगैरह के हवाले से जो मैं चैनल पर अपलोड करता रहूँ तो वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
आपने जो अच्छी तरह से इसकी फिटिंग वगैरह कर लेनी है, फिटिंग वगैरह करने के बाद आपने इसे जो है वो जोड़ के इसे जो है वो चेक कर लेनी है।